हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सबके संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। माई के ममता संसार में हमेशा विख्यात रहल, बाकी पुत्र वियोग में आपन प्राण देके आप पिता के प्रेम के एह जगत में एगो ऐसन उदाहरण स्थापित कैली जेकर अमर गाथा तीनों लोकन में जुग जुग तक बखान कई जाए। हे महात्मा, हमार प्रणाम स्वीकार करी। हे सम्राट, हम आपके चक्रवर्ती राज्य के सभी राज्य अधिकारी, सामंतन और राजा के तरफ से आपके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करत हैं। आपके आज्ञा के पालन में जब जब हमरा से कोनो त्रुटि भइल, आप उदारता से ओकरा के क्षमा कर दिली। बाकी हम आपके अंतिम आज्ञा के पालन ना कर सकली, ओ अपराध खातिर आप ना हमरा के दंड दिले, ना ही क्षमा कैली। हे बाल सखा, हो सके तो हमरा के क्षमा कर दे। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो, जीव बिन देह ज्योति बिन दिवरा माटी ही कहलावे। जीर्ण देह का जर जर पिंजरा पंछी को नहीं भावे हो, जिस पिंजरे को छोड़े उसमें लौट बहुरी नहीं आवे। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई मोल न पावे हो। आत्म पंछी बिन तन पिंजरा कोई गुरुदेव, इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ई बा कि महाराज के दाह संस्कार के करी। शास्त्र के विधान के अनुसार
पुत्र के ही पिता के अंतिम संस्कार करे के अधिकार है। जिनका चार चार गो तेजस्वी बेटा धरती पर विद्यमान बरन, ऐसन पुण्यात्मा पिता के दाह संस्कार उनकर कौनो भी पुत्र के बिना कैल उचित नहीं है। बाकी चारों में से यहाँ केहू भी उपस्थित नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण वन में बाड़न, कुमार भरत और शत्रुघ्न भी बहुत दूर कै कै देश में बाड़न। सनेसा भेज के बुलावे में समय लागी, तब तक महाराज के शव के रखल उचित होई का? अवश्य उचित होई। महाराज दशरथ जैसन प्रतापी धर्म परायण राजा के उनकर आपन बेटा द्वारा दिहल गईल अग्निदान और पिंड दान के पुण्य फल से वंचित ना करे के चाही। राज्य वैद्य से कहल जाए कि वो महाराज के शरीर के ऐसन औषधि युक्त तेल के नाव में रखस जैसे कौनो प्रकार के क्षति ना होखे। जे आज्ञा गुरुदेव।